पब्लिक टीवी आपकी आवाज। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। खनन माफियाओं द्वारा प्रशासन की धज्जियां उड़ा रखी हैं। थाना पुलिस और चौकी पुलिस भी कम नहीं है। धज्जियां उड़ाने में दिन रात खनन चल रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली से होमगार्ड को कुचलकर खनन माफियाओं ने मौत के घाट उतार दिया। मामला थाना मुंडा पांडे क्षेत्र की चौकी करणपुर का है। जब आज सुबह के समय ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड करणपुर चौकी पर केसर सिंह ने चौकी स्टाफ के इशारे पर खनन कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने का प्रयास किया। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने केसर सिंह के ऊपर चढ़ा दी। केसर सिंह की कुचलकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर खड़ी पुलिस चौकी स्टाफ में खलबली मच गई। मौके से भाग रहे खनन माफियाओं को राहगीरों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। वहीं जब मृतक के परिजनों को सूचना मिली कि केसर सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई, तो मौत की खबर सुनकर परिवार वालों में कोहराम मच गया। आनन फानन में मौके पर पहुंच गए और अलीगंज मार्ग दलपतपुर काशीपुर रोड जाम कर दिया। मृतक के परिजन एक नौकरी और मुआवजे की मांग करने लगे, जिससे काशीपुर रोड पर 2 घंटे तक जाम लगा रहा। मौके पर पहुंचे CO राजेश कुमार और कोतवाल अजय कुमार गौतम ने गुस्साए परिजनों को समझाने का प्रयास किया। तब जाकर परिजन रोड से हटे और पुलिस ने जाम को खुलवाया। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि जब भी हम खनन की शिकायत पुलिस चौकी या थाने में करते हैं, तो सीधे तौर पर कह दिया जाता है कि इसकी शिकायत खनन इंस्पेक्टर से करो, जिससे खनन को बढ़ावा मिल जाता है और खनन माफियाओं द्वारा हौसले बुलंद कर लिए जाते हैं। इसी का हर्जाना आज भुगतने को मिला। तैनात होमगार्ड केसर सिंह की कुचलकर मौत हो गई। कहाँ के निवासी? नंगला। अच्छा, क्या हादसा हुआ यार? ये ट्राली वाले ने होमगार्ड में थे चौकी करणपुर चौकी से थाना मुंडा पांडे, इन्होंने एक्सीडेंट कर दिया, एक्सपायर हो गए। कितनी एज होगी उनकी? ये जैसी 35-35 की। कितने बच्चे? 3, दो एक लड़की है, 2 बच्चे छोटे छोटे। कौन सी चौकी पर थे और किस टाइम घटना आई? ये ऐसे ये लगभग 12 बजे से ऑन ड्यूटी करणपुर चौकी पर कर रहे थे और ये रेता भरा ट्रैक्टर आ रहा था, उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। उसने ना रोकते हुए इनके ऊपर चढ़ा दिया और मौके पर मृत्यु हो गई। कौन है आपके? मेरे भाई हैं। क्या नाम है उनका? केसरी सिंह ओमघाट। कौन से गाँव के रहने वाले? बेरखेड़ा चक थाना भगतपुर टांडा। आप क्या चाहते हो आप? अब हम ये चाहते हैं कि इनके परिवार को मृतक आश्रित में एक नौकरी मिल जाए और जो क्लेम है क्लेम मिलता हो विधि नियम के तहत 5 लाख रुपए बताया वो मिल जाए, और DM साहब द्वारा जो 5 लाख मृतक आश्रित के लिए बच्चों के लिए जो होता है राजस्व विभाग से वो इनको मदद मिल जाए, जिससे कि बच्ची परिवार के बच्चों का पालन पोषण हो सके। जो जा रहा था जिसको हमारा गार्ड जो था वो रुकने की कोशिश करी, ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी जिससे घायल हो गया। इलाज के दौरान ट्रैक्टर और जो ट्रैक्टर चालक को कब्जे में ले लिया गया है और जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके अलावा जो बेनिफिट्स और जो सब हैं डिपार्टमेंट तक उसके लिए हम लोग लिखा पढ़ी कर रहे हैं, जिससे परिवार को जो राहत मिल सके वो मिल जाए। अच्छा, परिजनों का आरोप है सर ट्रैक्टर जबरदस्ती उसने चढ़ाया था। हम लोग इन्वेस्टिगेशन में ये सब जो भी आरोप हैं या जो भी साक्ष्य हैं हम लोग उसको सम्मिलित करेंगे और निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। चलो, ट्रैक्टर चालक सर गिरफ्तार हुआ? हाँ, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, ट्रैक्टर को भी कब्जे में ले लिया गया है। क्या मुकदमा पंजीकृत अभी तक हुआ है? मुकदमा तहरीर ये लोग दे रहे हैं इनके परिवार के, हम लोग मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई करेंगे। सर मुआवजे को लेकर कोई बात की जा रही? जो भी बेनिफिट्स हैं सरकारी बेनिफिट्स मिल सकते हैं, हम लोग प्रयास करेंगे।